हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फिफ्थ असेंबली को इनॉग्रेट किया गया इंडिया के द्वारा, और इंडिया को इस असेंबली का प्रेसिडेंट चुना गया है। इसके अलावा फ्रांस को को प्रेसिडेंट चुना गया है इस असेंबली का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने सोलर फैसिलिटी को अप्रूव किया है ताकि अफ्रीका के अंडरसर्व्ड मार्केट्स में प्राइवेट कैपिटल फ्लो को अट्रैक्ट किया जा सके बाय यूजिंग सोलर गारंटी फंड, सोलर पेमेंट गारंटी फंड एंड सोलर इंश्योरेंस फंड। इनका इस्तेमाल करके अफ्रीका के जो अंडरसर्व्ड मार्केट्स हैं उसमें प्राइवेट कैपिटल फ्लो को अट्रैक्ट किया जा सके। इसका अप्रूवल किसने दिया है? सोलर फैसिलिटी का अप्रूवल दिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। इस साल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो महत्वपूर्ण फोकस रहेगा वो तीन क्रिटिकल इश्यूज पे रहेगा। वो है आपका एनर्जी एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, आगे बात करते हैं और समझते हैं ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस आखिर है क्या। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च हुआ था 2015 में। 110 कंट्रीज इसके मेंबर्स और सिग्नेटरीज हैं, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस पहला ऐसा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो असेंबली है वो इसकी सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है, जो असेंबली है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की वो इसकी अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जहाँ पे हर कंट्री का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रहता है। इसके अलावा हर साल इसकी मीटिंग होती है मिनिस्ट्रियल लेवल की, जो हर साल इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा करती है। इसके अलावा इसका मिशन है 2030 तक सोलर सेक्टर में $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करना, ताकि जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंसिंग की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। ये इसका मिशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करते हैं जो इसके अंडर में आते हैं। तो वो है आपका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, एक ये प्रोजेक्ट है। देन आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, देन इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मिशन की, तो क्या है इसका, सॉरी इसके एम की, तो क्या है इसका एम? इसका एम है इंक्रीजिंग एनर्जी एक्सेस, एनर्जी एक्सेस को इंक्रीज करना, देन कैपेसिटी बिल्डिंग करना, देन कोऑपरेशन को बढ़ाना, कोऑपरेशन ऑन टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करना, देन रिड्यूसिंग फाइनेंशियल रिस्क अक्रॉस अ लार्जर ग्लोबल मार्केट। यानी कि जो ग्लोबल मार्केट है उसमें जो फाइनेंशियल रिस्क हैं उसको रिड्यूस करना, ये कुछ एम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने पहले सबसे पहले ये डिस्कस किया कि आखिर ये क्यों न्यूज़ में था। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसलिए न्यूज़ में था कि इसका जो इनॉग्रेशन किया गया है इसकी फिफ्थ असेंबली का, वो भारत के द्वारा किया गया है और इंडिया को ही इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का प्रेसिडेंट। जो फ्रांस है वो को प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने सोलर फैसिलिटी को अप्रूव किया है ताकि अफ्रीका के अंडरसर्व्ड मार्केट में प्राइवेट कैपिटल फ्लो को अट्रैक्ट किया जा सके बाय यूजिंग सोलर पेमेंट गारंटी फंड एंड सोलर इंश्योरेंस फंड। देन इसके अलावा हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर इस बार फोकस करेगा, जैसे कि आपका एनर्जी एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन। ये कुछ क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, इस पर फोकस रहेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। फिर हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में डिस्कस किया कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च हुई थी 2015 में। इसके 2010 कंट्रीज मेंबर्स और सिग्नेटरीज हैं, और ये पहला ऐसा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत में है। इसकी असेंबली इसकी सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो असेंबली है वो इसकी सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और सभी कंट्रीज़ का इसमें रिप्रेजेंटेशन रहता है। हर साल इसकी मीटिंग होती है मिनिस्ट्रियल लेवल पे। इसके अलावा हमने इसका मिशन डिस्कस किया था कि इसका मिशन है 2030 तक सोलर में $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करना, ताकि जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंसिंग है उसकी कॉस्टिंग को कम किया जा सके। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स देखे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर में हैं, जैसे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, देन IESA सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, देन इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्कीम। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर में आते हैं। देन हमने इसके एम को डिस्कस किया, क्या है इसके एम? इंक्रीजिंग एनर्जी एक्सेस, देन बिल्डिंग कैपेसिटी, देन इंकरेजिंग कोऑपरेशन ऑन टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूसिंग फाइनेंशियल रिस्क अक्रॉस ए लार्जर ग्लोबल मार्केट। ये कुछ एम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।